हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स जो अर्थमेटिक्स और सेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, पहला आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिसे ऐसा एन में डिनोट किया जाता है। तो कौन सा नेचुरल नंबर में आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूस, तो ये हो गया नेचुरल नंबर जिसको एन से डिनोट किया जाता है। कुछ लोग इसमें जीरो भी इंक्लूड करते हैं, कहीं पे आपको मिलेगा भी नहीं जीरो। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। अब हम देखेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर और होल नंबर, तो इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल झेड से, ऐसे। ठीक है, तो यह हो जाएगा लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, up to, तो ये हो गया इंटीजर नंबर्स। और देखिए n का जो नंबर है वो ऑलरेडी इंटीजर्स में है ही है, तो हम लिख सकते हैं n सबसेट ऑफ z। ठीक है, यानी n में जो है वो ऑलरेडी z में है, तो यानी z बड़ा सेट है, उसका एक छोटा सेट है n नेचुरल नंबर, तो z इज ए सुपर सेट हो गया और n हो गया सबसेट, n इज ए सबसेट ऑफ z। ठीक है, ये देखिए इतने नंबर्स ऑलरेडी ये नेचुरल नंबर्स के हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इसको कहेंगे हम ब्रोकन नंबर। क्यों ब्रोकन नंबर दिया गया इसको ब्रोकन नंबर, क्योंकि इसको कुछ टुकड़ों में लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे क्यू, इसे ऐसा लिखते हैं रैशनल नंबर को, थोड़ा क्यू को ऐसा किया गया है, तो इसको कुछ रेशो में लिखेंगे, -3/2 यानी -1/2, 7.12, 11.25। देखिए पूरा नंबर नहीं है, कुछ आधा टुकड़ा ऐसा ही है, लाइक आधा पौन। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर्स यानी ब्रोकन नंबर्स 3/4, और भी आप लिख सकते हैं कुछ भी 7/5, तो ये है रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अभी हमने नंबर्स को ऐसा एक्सप्रेस किया लाइक 1/2, 2/2, 2/3, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर है जिसको हम मैंने ऐसा नहीं लिख सकते, लाइक 1/2 है ये रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, लाइक एग्जांपल ये है पाई, पाई का वैल्यू हो जाएगा लाइक 3.1415, ऐसा बढ़ता ही जाएगा, तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली से पाई का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो हो गया। नेक्स्ट दूसरा आएगा, आप देखिए √2, ये भी 1.41, ऐसे नंबर बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो ये हो गए इरेशनल नंबर। ठीक है, और जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें जो ऑलरेडी ये नंबर सब इनकॉर्पोरेटेड, मीन ये सब नंबर इसमें ऑलरेडी रहेंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एन सबसेट ऑफ झेड, झेड सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, एन नेचुरल नंबर है और झेड है इंटीजर है और क्यू है रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर हम दिखाएंगे आपको कैसा होता। नेक्स्ट हम दूसरा नंबर देखेंगे, ओके ये हो गए तीन हो गए, अब हम देखेंगे रियल नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आर। ठीक है, एक्चुअली जब हम आर को देखेंगे तो इसमें ऐसा आ जाएगा, दैट इज रैशनल नंबर और यह हो जाएगा इरेशनल, यानी रैशनल यानी क्यू, इरेशनल यानी ये √2 और पाई का वैल्यूज। ठीक है, तो बाकी इसका मतलब है आर में तो सारे वैल्यूज आ गए, ये पाई √2 और झेड यानी लाइक 1, 0 प्लस और माइनस वैल्यूज सब आ गए। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
अब हम यूजली हमारे सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं रैशनल नंबर्स ही यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कुछ इस तरह से रहता है, ये प्लस बी आई, यानी यहाँ पे देखिए टू नंबर्स है, ठीक है। नंबर इन ए प्लेन, ये देखिए ये एक प्लेन है, दिस इज वैल्यू ये है, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये और ये वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका वैल्यू है ये और वर्टिकल एक्सिस पे है बी, ओके। तो पूरा एक कंप्लीट प्लेन को है ना कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आई स्क्वायर का वैल्यू है वो माइनस वन, आई का वैल्यू हो जाएगा और रूट ऑफ माइनस वन, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स, अभी हम पूरे अब तक तो हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, तो नेचुरल नंबर हम ऐसे लिखा, दैट इज एन, ठीक है। ये हो गया सबसेट ऑफ होल नंबर इंटीजर, और ये हो गया ये सबसेट ऑफ किसका, ये रैशनल नंबर यानी क्यू का हो गया, ठीक है। और ये सबसेट ऑफ रियल नंबर, और ये सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो है सबसेट का सिंबल है, ठीक है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, तो ये सेट आपको याद रखना है, आगे आपको सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटीज में सब में यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने पहला देखा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है जीरो ले लो, नहीं तो नहीं, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद में हमने देखा इंटीजर, देखा तो इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर है, इंटीजर में हमने देखा नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, लाइक माइनस फोर, माइनस थ्री, ज़ीरो, माइनस वन, प्लस टू, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा रैशनल नंबर, जिसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होंगे, लाइक माइनस नाइन बाई टू, थ्री बाई टू, डेढ़, हाफ, वन फोर्थ, तो ये हो गया रैशनल नंबर। और आएगा इरैशनल नंबर ये रूट टू हो गया, ठीक है, पाई वैल्यू हो गया, तो ये है इरैशनल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। और एक कंप्लीट आ जाएगा, किसके अंदर आएगा, ये हो गया पूरा मेरा रियल नंबर, ठीक है, ये सारे में रियल नंबर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे सब वैल्यू आ जाएंगे रियल नंबर में। और ये पूरा आ जाएगा लास्ट फाइनली है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यन यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक है, झड इंटीजर के लिए है, ठीक है, झड के बाद है हमारा क्यू है, ठीक है, और कभी कभी इसको भी क्यू ही लिखा जाएगा इरेशनल नंबर, तो देना है आर और ए कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ठीक है।